देश भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। श्रीनगर में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री हुए शामिल। प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसदों ने अपने क्षेत्रों में मनाया योग दिवस। प्रदेशवासियों को योग के प्रति क्रिया प्रेरित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट से पहले आज नई दिल्ली में किसान संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल को एनसीसी द्वारा कर्नल कमांडेंट मानद रैंक से नवाजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अंकित मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व किया। इस वर्ष का विषय स्वयं और समाज के लिए योग है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने खुद को योग के प्रति समर्पित कर दिया है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। श्री मोदी ने इस दौरान तुर्कमेनिस्तान में शुरू किए गए पारंपरिक चिकित्सा एवं योग केंद्र का भी जिक्र किया। विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महत्व है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने, जैसे टूथब्रश करना हमेशा का काम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा, आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के अभ्यास के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संदेश देने वाले हजारों प्रतिभागियों को एक साथ लाना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के उन लोगों को शुभकामनाएं दी जिन्होंने उत्सव के हिस्से के रूप में योग किया। उन्होंने योग करने के फायदे के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम प्रधानों को एक पत्र भी लिखा है जिसमें जमीनी स्तर की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में योग के प्रसार को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी योग पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे ने योगाभ्यास कर निरोग रहने का संदेश दिया। पतंजलि परिवार के योग गुरुओं ने प्राणायाम के साथ ही विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया और लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं योग दिवस पर बेमेतरा जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने आम लोगों के साथ योग किया। शक्ति के सामुदायिक भवन परिसर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े ने शामिल होकर सामूहिक योगाभ्यास किया। इधर गरियाबंद जिला मुख्यालय के इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय योगा का आयोजन किया गया। यहां महासमुंद लोकसभा सांसद रूप कुमारी चौधरी ने स्कूली बच्चों के साथ योगाभ्यास किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रायगढ़ में भी योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान शारीरिक व्यायाम प्राणायाम के साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जीवन में योग करना कितना लाभकारी है इसके बारे में बताया गया है। हमारा देश सभी दिशा में और विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और हम सब अपने राष्ट्रनायक के साथ बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया की निगाह यदि कहीं है तो वो अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, यूक्रेन की तरफ नहीं है, शांति के लिए भी देखते हैं, वो भारत की ओर देखते हैं। तो हम लोग का कर्तव्य है कि जनता के साथ मिलकर शासकीय आवश्यकता इसके लिए क्या होगी, भवन का हो या मैदान का हो, सुरक्षित जगह हो, पानी गिरे तो भी ऐसे सेट का निर्माण हो, उसके लिए हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे ताकि गांव-गांव में योग की महत्ता को समझे और हर व्यक्ति योग करे और निरोगी रहे। करो योग, रहो निरोग। और पूरा देश आज हमारे पूरे मंडल से लेके जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय लेवल में पूरा आज योग दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला दिन है क्योंकि भारत की पहल पर यूएनओ ने इसको स्वीकार किया और पूरे विश्व में कि अगर पूरे विश्व को स्वस्थ रखना है, भारत और यहाँ के वेद पुराण की पूरे विश्व को अपना परिवार मानना, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सोच है उस सोच को पूरा करने के लिए और पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने के लिए मोदी जी की पहल पर, भारत की पहल पर ये दिवस बना है। जो योग है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए आवश्यक है और हम सब के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ही इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा और आज हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट से पहले आज नई दिल्ली में किसान संगठन के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श किया। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले वित्त मंत्री ने वित्तीय और पूंजी बाजार क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधि तथा संघों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की थी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नवसर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं, इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर द्वारा दुर्गा महाविद्यालय के सभागृह में एक दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चित्र प्रदर्शनी में योग पर आधारित 36 पैनल लगाकर योग और इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।
आयोजन में भारतीय योग संस्थान रायपुर के योग प्रशिक्षक मुकेश सोनी एवं राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को योग का अभ्यास कराया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर के प्रदर्शनी अधिकारी शैलेश फाये ने बताया कि समाज में योग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। छात्रों छात्र छात्राओं में विभिन्न जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता। इन तीनों प्रतियोगिताओं का विषय कहीं ना कहीं योग और इससे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके की आज की ये पूरी गतिविधि है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट्स कोर एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा मुखर्जी ने बताया कि निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को योग से जोड़ने का प्रयास किया गया है। खूबसूरत आज वर्ल्ड योगा डे के उपलक्ष में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन रायपुर के द्वारा एक हमारे लिए एक कोलैबोरेशन किया गया है दुर्गा महाविद्यालय के साथ में, जिसमें एक चित्रकला प्रदर्शनी भी की गई है और हमारे लिए एक बहुत ही जानकारी योग्य प्रैक्टिकल योगा सेशन रखा गया है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए हैं, जैसे कि चित्रकला है और भाषण प्रतियोगिता है, और उसमें उनके लिए बहुत अच्छे जो भी उनके जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहेगा उस तरह से उनके लिए पुरस्कार रखे गए हैं। इधर अंबिकापुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा योग दिवस के अवसर पर विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मानव श्रृंखला के जरिए लोगों को योग के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में ब्यूरो प्रभारी हिमांशु सोनी, जिला परियोजना अधिकारी गिरीश गुप्ता, सरगुजा साइंस ग्रुप के संयोजक आंचल ओझा, जन शिक्षण संस्थान के संचालक एम सिद्दीकी और योग प्रशिक्षक अमृता मेहता उपस्थित हुई। इस दौरान वहां उपस्थित छात्र छात्राओं को अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए योग के महत्व को बताते हुए योग के विभिन्न आसन और क्रियाएँ भी सिखाई गई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल को आज यहां राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी द्वारा कर्नल कमांडेंट मानद रैंक की उपाधि प्रदान की गई। विश्वविद्यालय में आयोजित अलंकरण समारोह में डॉक्टर चंदेल को एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अजय कुमार महाजन ने कर्नल कमांडेंट की मानद उपाधि से अलंकृत कर नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर एनसीसी ग्रुप कमांडेंट रायपुर ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान, डेप्यूटी ग्रुप कमांडर कर्नल जीएस शिखरवार और कर्नल सुमेर सिंह भी मौजूद थे। मेजर जनरल अजय कुमार महाजन ने इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स को संबोधित कर देश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा एनसीसी सेवा संचालित करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कर्नल कमांडेंट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर चंदेल इस वर्ष छत्तीसगढ़ में एनसीसी कर्नल कमांडेंट की उपाधि से सम्मानित किए जाने वाले एकमात्र कुलपति हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रशिक्षण में इलेक्ट्रीशियन, सिलाई मशीन, प्लम्बर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, डोमेस्टिक सॉल्यूशन और रिटेल सेल्स एसोसिएट सहित अन्य कोर्स के लिए निःशुल्क प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। प्रशिक्षण के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रशिक्षण के बाद सफल प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी आरजे राम ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री महाकौशल योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1790 पदों के लिए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कैलेंडर के अनुसार हम लोगों ने तैयारी कर राज्य कार्यालय को अनुमानित कार्य योजना हम लोगों ने भेज दी है। तदनुसार हर महीने कम से कम 6 या 7 बैच प्रशिक्षण जिले के पंजीकृत VTP के माध्यम से संचालित होगा। सर, इसमें प्रवेश भी शुरू कर लिया गया है? अभी कौशल प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं, जिसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर कहते हैं, उनके माध्यम से ट्रेनिंग देने के लिए इच्छुक आवेदकों का काउंसलिंग लगातार किया जा रहा है।
यह प्रशिक्षण जिले के पंजीकृत बीटीपी के माध्यम से संचालित होगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आवेदकों का लगातार काउंसलिंग किया जा रहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।